Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. देखिए, आज आपसे जिस टॉपिक पर बात होगी वो है समस्याएं. समस्याएं किस लेवल की? हायर एजुकेशन सिस्टम पे जो समस्याएं बहुत सारी हैं. आपके सिलेबस में दिया है समस्या एडमिशन की, यूनिफॉर्म करिकुलम की, इनडिसिप्लिन की, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ऑटोनॉमी की एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म की, जिसमें से एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन सिस्टम में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑटोनॉमी डिस्कस कर चुकी हूँ. देखिए अब शुरुआत से शुरू करते हैं फिर, लेकिन जो इसमें नहीं कवर किया वो आपसे फिर बता दे रही हूँ. ऑटोनॉमी की समस्या डिस्कस कर चुकी हूँ. ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि स्वायत्तता, उसको जिसको इसमें नहीं कवर किया उसको बता रही हूँ. स्वायत्तता का मतलब कि हम ऑटोनमस हो जाए, मतलब कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, एकेडमिक रूप से कुछ कुछ निर्णय ले सके. हमें डिपेंड नहीं रहना पड़े कि यूनिवर्सिटी से ऐसा आएगा तो हम इसको फॉलो करेंगे. लेकिन जो ऑटोनॉमी की समस्या है, मतलब ऑटोनॉमी को अगर आप समस्या के रूप में देखें तो उसके संग दिक्कत ये आती है कि आपको अकाउंटेबल भी होना पड़ता है. ये नहीं कि हमें अधिकार मिल गए हैं हम चेंज कर सकते हैं, पर हम उत्तरदायी भी होंगे. उत्तरदायी किसके लिए? अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए. तो एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस आता है, तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. तो ये एक ऑटोनॉमी समस्या बन जाती है, जबकि वो एक एसेट है. उसी तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, इस वीडियो में नहीं कवर कर रही. उसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चला उसमें बहुत सारी बॉडीज हैं. यूजीसी है, एआईसीटीई है, एनसीटीई है, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एकेडमिक रिसर्च, आईसीएआर, बहुत सारा है. तो इनमें आपस में लिंकेजेस नहीं है, आप ओवरलैपिंग है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है. तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन बन जाता है. इसीलिए आपकी जो नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने HECI की बात की है कि हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना देंगे और उसी के चार वर्टिकल कर देंगे. वही सारे काम करेगा, सबको एक ही दरवाजे जाना होगा कोई भी नियम कानून जाने के लिए. अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए. प्लस सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इससे छोड़ा गया, मतलब इसके रिजीम से बाहर है. तो वो दो बातें मैं बस आपसे यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ. बाकी सब, मतलब कि एडमिशन से संबंधित, यूनिफॉर्म करिकुलम से संबंधित, इनडिसिप्लिन से संबंधित और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न से संबंधित, तो आपका हायर एजुकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में सब कवर हो जाएंगी. बट मैं एकदम क्विकली आपको बताऊंगी, ठीक है? कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं इसको शॉर्ट नोट्स में दे दीजिए, इसको लॉन्ग आंसर पे. नहीं, आप अपना भी कुछ दिमाग लगाइए, अपना भी कुछ थिंकिंग पावर डेवलप करिए. सब कुछ ऐसा नहीं कि बस आपको दे दिया गया, आपको सिर्फ उसको याद करके लिखना है ना. आपको कंसेप्ट समझाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, बाकी उसको एलेबोरेट करना है, शॉर्ट करना है, ये आपको खुद करना होगा, खुद सीखिए करना. तो देखिए, एडमिशन की समस्या जब आप देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में, तो आप उसको तीन आयामों से डिस्कस कर सकते हैं. मैंने सिर्फ दो लिखा है. पहला आयाम ये है कि एडमिशन जब हायर एजुकेशन में होता है तो उसकी प्री रिक्विजिट क्या है. पूर्व दशा ये है भारतवर्ष में कि आप 10+2 पास करके आए हो. उसमें भी मतलब आपकी अच्छी परसेंटेज हो तो होगा. अगर वो आपसे कभी कभी इंट्रेंस, अक्सर ही अब तो क्रेट होने लगा है, तो एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं, उसमें आप पास होंगे तब होगा. प्लस उसमें पास भी सिर्फ होने से काम नहीं है, उसमें भी रिजर्वेशन सिस्टम है. देखिए, रिजर्वेशन सिस्टम में मैंने आपसे पहले वो बताते हैं, फिर GER बताते हैं. कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 15% सीट SC के लिए है, 7.5% मतलब 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए है. इसके अलावा 27% OBC के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट. तो बचता कितना है? 49.5% तो रिजर्वेशन के हिस्से चला गया. तो सिर्फ 50.5% जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए हैं. तो उसमें से भी, खैर अब जाके EWS का कंसेप्ट आया है, EWS के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो सकता है स्टूडेंट? जो SC ST OBC को बिलोंग ना करता हो, मतलब जनरल कैटेगरी का हो, प्लस उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, और भी बहुत सारे क्लॉजेस में दिए हुए. तो ये जो आपका EWS है वो कब आया? 124वां अमेंडमेंट बिल संविधान में पास हुआ 2019 में, तब कहा गया कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन दी जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा. इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर मान लीजिए आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी नहीं आते, लेकिन आप ठीक ठाक है, 8 लाख से थोड़ा ऊपर तो है, तो EWS में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं है आपके पास कि आप मतलब कोटे से एडमिशन करा सकें, या आप बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कर सकें, या सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम को हासिल कर सकें, एडमिशन ले सके, और आप पढ़ने में भी बहुत तेज नहीं है, तो आपका एडमिशन ही नहीं होना है.
अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो ये मैं रिजर्वेशन के प्रॉस एंड कॉन्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको एक यथास्थिति बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम आती है एडमिशन में हायर एजुकेशन सिस्टम में। इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे दूसरा पक्ष अगर आप इसका देखें तो थोड़ा गला खराब है। हायर एजुकेशन में 27% GER अभी भी, अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हम 2000 समथिंग तक 50% कर लेंगे इसको। तो इसका मतलब है कि हर 100 में से, अगर 100 मान के चले तो, हाँ 100% है तो 100 ही मानना पड़ेगा, 100 में से 27% ही हायर एजुकेशन में जा रहा है, 73% कर ही नहीं रहा हायर एजुकेशन कंटिन्यू। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि डिमांड और जो सप्लाई है उसमें मिसमैच है। जो मार्केट की डिमांड है और जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई तालमेल ही नहीं बैठता है, इसीलिए हमारे यहाँ बच्चा हायर एजुकेशन में एडमिशन ले ही क्यों, कोई गारंटी तो है नहीं कि उसको जॉब मिली जानी है। तो ये सारी समस्याएं आप एडमिशन में हायर एजुकेशन सिस्टम में आती है। पहली बात तो कि जो प्री रिक्विजिट्स लगाई गई हैं, दूसरी बात आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, पढ़ना लिखना पड़ेगा उसके लिए, फिर से वो भी बच्चों को भारी पड़ता है। तीसरी बात, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं और नॉर्मल परिवार से बिलोंग रखते हैं और जनरल स्टूडेंट हैं तो आपके एडमिशन में दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टैलेंटेड होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्डवर्किंग होना पड़ेगा, प्लस या इनमें से कुछ नहीं है तो आप सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में हासिल कर सकें सीट, तो उसके लिए वैसे वाला होना पड़ेगा। मतलब एडमिशन की ही दिक्कत है। तो ये दिक्कतें आती हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो सजेशंस हम क्या कर सकते हैं, कैसे थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हैं इसको, कि हम इंफॉर्मेशन एडवाइस एंड गाइडेंस अवेलेबल करें हायर एजुकेशन पे। जैसे कि बच्चा टैलेंटेड भी है, उसके पास ठीक ठाक उसके परिवार की आमदनी भी है, तो भी वो मिसगाइडेड है, उसको पता नहीं है कौन से इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले, कौन सा बढ़िया है, कहाँ से उसको जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बढ़िया मिल सकते हैं। इसका मतलब इंफॉर्मेशन एडवाइस और गाइडेंस हायर एजुकेशन सिस्टम पे हमको और अवेलेबल करानी होगी। फिर हमको एडमिशन पॉलिसी ऑफ स्टूडेंट को लेबर मार्केट के डिमांड से जोड़िए ना, कि आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आपको ये जॉब मिल सकती है, इसमें एडमिशन लेंगे तो इस मार्केट के आप डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो इसको आप जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एडमिशन बढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। फिर टू इंसेंटिवाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू बी मोर इंक्लूसिव, ये बात बहुत हो गई इंक्लूसिव एजुकेशन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो बहुत सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन SEZ की भी बात की है। तो हम जितना ज्यादा समावेशित बनाएंगे अपने उच्च शिक्षण संस्थानों को उतना बढ़िया होगा एडमिशन के लिहाज से। और टू रीस्ट्रक्चर द सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द सेकेंडरी एजुकेशन लेवल। देखिए ये एक लिंकेज, मतलब कि जो सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच में ये जो गैप हम फील करते हैं अपने सिस्टम में इंडिया में, वो नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन का बच्चा ही तो हायर एजुकेशन में जा रहा है, लेकिन ये हम एक दूरी महसूस करते हैं, गैप महसूस करते हैं, इसीलिए बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज की बात की गई है, टू ओवरकम द लर्निंग गैप की बात की गई है। तो हमको जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहीं पे अपने सिलेक्शन प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, ताकि बच्चा स्मूथली हायर एजुकेशन में एंटर कर सके। और टू प्रायोरिटाइज जॉइंट वर्किंग अक्रॉस स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन, वही बात निकल के आ रही है कि स्कूलिंग को और हायर एजुकेशन को आप जोड़ कर चलिए, मतलब कहीं ना कहीं कोई दोनों लोगों में फैकल्टी एक्सचेंज हो, स्टूडेंट्स का एक्सचेंज हो, कुछ ऐसा जॉइंट कोलेबोरेशन टाइप का हो तो बेहतर होगा। अब आती है प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूनिफॉर्म करिकुला। देखिए इतनी तरीके के स्टूडेंट्स हैं, इतनी तरीके की स्ट्रीम तो अब तो फिर भी है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी है। इलेक्टिव कोर्सेज की बात हम करते हैं, अभी भी दे नहीं पाए। तो जब हम इतने सारे विविध आवश्यकता, विविध रुचियों, विविध टैलेंट्स के बच्चों को एक ही करिकुलम पढ़ाएंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या और विकट हो जाएगी। इसका मतलब कि हमको करिकुला को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन से कहा जा रहा है और सालों से कहा जा रहा है, सैकड़ों सालों से कहा जा रहा है। तो यही बात हुई कि अभी हमारा 27% है और 2035 तक ये तय किया गया है कि हम 50% कर देंगे, लेकिन हम तब भी इसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा जो करिकुलम है वो आउटडेटेड है, उसमें कोई 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 अपडेशन नहीं है। अभी भी 10-15 साल पुराना करिकुलम आप पढ़ा रहे हैं। अभी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसी में इतने चेंज कर दिए गए, 2025 आने वाली है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो किस तरह से आप मतलब ये मान सकते हैं कि बढ़िया हो जाएगा हायर एजुकेशन सिस्टम? तो लैक ऑफ डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में, विभिन्नता की कमी है, विविधता की कमी है। और विविधता क्यों जरूरी है? विविधता जरूरी है क्योंकि अगर विविध पाठ्यक्रम होगा तो हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को ऑलराउंड डेवलपमेंट दे सकेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन दे सकेंगे, उनको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन एंड पर्सपेक्टिव से एक्सपोजर उनका करा सकेंगे, जिससे उनका होराइजन डेवलप होगा, उनके पास स्किल्स और नॉलेज आएगी, जिससे वो क्रिएटिवली
और क्रिटिकली सोच सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, चेंजिंग वर्क प्लेस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सकें। तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की कमी है, वोकेशनल कोर्सेज कम है, क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रही है इंडियन हायर एजुकेशन में, और फ्लेक्सिबिलिटी और लैक ऑफ इलेक्टिव ऑप्शन भी हमारे करिकुलम में बहुत सीमित हम उनको ऑप्शन देते हैं। अगर सिलेबस में होता भी है कि ये चार पेपर आप पढ़ा सकते हैं तो हम उनको खुद ही बता देते हैं भैया हम एक ही पेपर पढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी तीन पेपर क्या हमारे पास ना किताबें हैं ना संसाधन है ना टीचर, इसलिए दिक्कत आती है। तो क्या किया जाए, नीड फॉर फ्रंट लाइन एंड प्रैग्मेटिक करिकुलम, हम ऐसा करिकुलम बनाए जो प्रैग्मेटिक हो। प्रैग्मेटिक का अर्थ कि जो काम करे, जो उद्देश्यों की पूर्ति करे। फ्रंट लाइन का मतलब कि हम आगे आके काम कर सके। द मेजर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन द फ्रंट लाइन स्ट्रैटेजी इज टू प्रिपेयर द पर्सन विद ए फ्लेक्सिबल डायनेमिक एंड क्रिएटिव माइंड सेट टू एडजस्ट टू द चेंज सिचुएशन एक्सेप्टिंग द चेंजिंग कॉम्पोनेंट्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट। यानी कि रिजल्ट आए, ऑप्टिमिस्टिक कॉम्पोनेंट हो उसमें, हम चेंज सिचुएशन के हिसाब से बच्चा अपना माइंड सेट चेंज कर सके। तो वही बात अगर हम फ्रंटलाइन करिकुलम की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि ऐसा करिकुलम जिसके पास ये क्षमता हो कि जैसे सिचुएशन बदले, इन्वायरमेंट बदले, वो अपने आप में चेंज कर सके, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना। ऐसा करिकुलम जो डायनेमिक हो, जो फ्रंटलाइन सिटीजन्स क्रिएट कर सके, जो रैंडम ग्लोबल चेंजेस के प्रति सेंसिटिव हो और अपने आप को अडेप्ट कर सके। फिर प्रैग्मेटिक की बात जब होती है तो इसका मतलब है कि हम वो करिकुलम जो काम करे, वो करिकुलम जो ऑटोनोमस हो, फ्लेक्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, है ना, प्लस उसमें वैल्यू इंकल्केशन भी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी की बात करें, इंडियन इथॉस की बात बहुत की गई है एनईपी 2020 में, जिससे कि हम जो स्टूडेंट्स तैयार करेंगे वे फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से तैयार होंगे, भविष्य के लिए तैयार होंगे, गतिशील होंगे, फॉरवर्ड लुकिंग होंगे, आगे देखना चाहते होंगे, मतलब उनका रिजिड माइंडसेट नहीं होगा, और हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म, मतलब उनके पास हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा कि हमको पूरा करना है, जील होगी, इच्छा होगी अगर ऐसा करेंगे तो। तो मतलब यूनिफॉर्म करिकुला को आप प्रैग्मेटिक और फ्रंटलाइन करिकुलम से बदल सकते हैं या बदलना चाहिए, ये समय की मांग है। फिर इनडिसिप्लिन की जो समस्या है, ये तो मैंने कुछ लिखे, आप 10 और जोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि आप खुद हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या फैकल्टी हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्यों अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता यह है कि 400 बच्चा क्लास में, अब 400 बच्चे अगर साथ में एक साथ एक दिन आ जाए तो आप अपनी क्लास में बिठा नहीं सकते। अगर मान लीजिए इतनी ही बड़ी क्लास है, आपने बैठा भी दिया तो साल भर आप सबके नाम नहीं जान सकते, यानी कि विद्यार्थी पे कम ध्यान दिया जाता है। इतनी भरी हुई क्लास है, कहाँ से इंडिविजुअल डिफरेंस, तो बहुत दूर की बात है, हम सबके नाम नहीं जान पाएंगे। फिर रॉन्ग करियर चॉइसेस बाई स्टूडेंट्स जब सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन में आता है तो उसको कोई गाइडेंस नहीं है कि कौन सा विषय ले, कौन सा स्ट्रीम ले, कौन सा कॉम्बिनेशन ले, बस कुछ जो चल रहा है, जो मिथ है, जो दोस्तों ने ले लिया, जो कह दिया गया वो ले लिया। तो जब आप अरुचि का विषय चुनेंगे तो आपकी रुचि कैसे आएगी, तो इसका मतलब आपका क्लास में मन नहीं है, तो आप इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। उसी तरह से लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी टू हैंडल सडन फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, जब तक आप सेकेंडरी में हैं, आपकी यूनिफॉर्म है, आपके आने जाने का एक नियत समय है, आप सब इतने आपके ऊपर बाउंडेशन है, और जैसे ही आप हायर में आते हैं, आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, क्लास में कब घुस रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कोई विशेष बातचीत उस पर नहीं, आपको यूनिफॉर्म जैसी कोई चीज़ नहीं, तो अचानक से जो आपको ये न्यू फाउंड फ्रीडम होती है ना, उसको हैंडल नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, और वो थोड़े से गलत मार्ग पे चले जाते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। उसी तरह से फॉल्टी एंड आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण विधियां अपनाई जा रही हैं शिक्षकों के द्वारा, वो भी आउटडेटेड है। आज भी हम 50 साल पुराना मैटर, 50 साल पुराने तरीके से आपको पढ़ाएंगे, तो आज का यूथ जो डिजिटल युग है, उसका यूथ जो डिजिटल स्टूडेंट्स हैं, आप कह सकते हैं ना इसको, जो डिजिटल डिवाइड की बात होती है, तो आप उनको केटर ही नहीं कर सकते। तो जब बच्चे का ध्यान नहीं, आपने ध्यान आकृष्ट नहीं किया, तो वो अनुशासनहीन तो होगा। फिर अभी भी हमारे यहाँ कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन लेवल पे CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है। अभी भी सालाना एक बार लास्ट में एग्जाम हो रहा है, तो साल भर आप बच्चे को कैसे रोकेंगे क्लास में, क्यों उसको आएगा क्लास में, कोई उसको एग्जाम नहीं देना है, बाद में भी एक महीना पढ़ के भी कई बच्चे जो साल भर आते हैं उनसे अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं, तो ये भी उनका डेविएशन जो है वो फोकस्ड नहीं होता और वो अनुशासनहीन होते हैं। फिर डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी, ये बात तो है कि मतलब पूरे ओवरऑल समाज में मूल्यों का क्षरण हो रहा है, इसलिए वो अपने शिक्षक के प्रति वो सम्मान भाव नहीं रखते हैं। रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, सब उसमें इतने एवेन्यूज हैं जहां उनको आनंद आ रहा है, वो आनंद उनको क्लास में नहीं आ रहा है, तो वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। लैक ऑफ आइडियाज, उनके पास रोल मॉडल नहीं है कि इनके जैसा बने, उनके जैसा बने, जो है वो बहुत कम है, इसलिए उनके पास कोई आइडियल नहीं है, कोई मोरल नहीं है,
इसलिए भी वो अनुशासनहीन होते हैं। उसी तरह से नो गारंटी ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर वो आ भी रहे, बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो रहे हैं, तो उसके बाद उनको आउटकम क्या मिल रहा है? प्रैग्मेटिक दुनिया है ना, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मिलना क्या है, तब तक हम काम नहीं करते या मन से नहीं करते, कुछ मोटिवेशन नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत है। और लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज इन मोस्ट ऑफ द HEIs, मतलब ज्यादातर जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी है ही नहीं, तो बच्चा क्यों आएगा? और आएगा भी तो इधर उधर घूमेगा, काम उसका सफल नहीं होगा, तो फिर वो पढ़ने में मन नहीं लगाता और अनुशासनहीन बनता है। ऐसे कई कारण आप खुद बता सकते हैं। और फिर क्लास में ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न की समस्या। देखिए, इसमें मैंने कुछ भी रिटन टेक्स्ट नहीं लिखा, सिर्फ एक आप फ्लो चार्ट समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और आपको पता है, आपने अब पढ़ लिया कि हायर एजुकेशन का जब आप इतिहास पढ़ रहे थे, तो लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे तो यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। नालंदा तक्षशिला को तो हमने मतलब उसका कोई हमारे पास अवशेष ही नहीं बचा। तो जो गवर्नेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लेयर्ड है, हायरार्की है। इनसे पास कराओ, फिर इनसे पास कराओ, फिर इनसे पास कराओ, तो आपस में सारी बॉडीज जब एक साथ कोलैबोरेटिवली एक गोल के लिए काम नहीं करती है, तो ये बहुत समस्या उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपका ऑटोनोमस कॉलेज है, तो उसमें गवर्निंग बॉडी होगी, एक एकेडमिक काउंसिल होगा, एक बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा, एक फाइनेंस कमेटी होगा, तब तो आप कोई निर्णय उसमें रेजोल्यूशन पास करा पाएंगे। ठीक, अगर यूनिवर्सिटी है तो वो और क्लिष्ट है। विजिटर है, विजिटर के बाद चांसलर है, चांसलर के बाद वाइस चांसलर, सीनेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइस चांसलर के बाद रेक्टर है, रेक्टर मतलब जो डे टू डे डेली लाइफ के काम उसको देखने हैं, उसमें रजिस्ट्रार है, फाइनेंस कमेटी है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल, चीफ प्रॉक्टर और डीन ऑफ स्टूडेंट्स। रजिस्ट्रार में भी जॉइंट और डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, उसमें भी एकेडमिक लेवल का अलग है, डेवलपमेंट का अलग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट का अलग है। एकेडमिक काउंसिल में भी आपकी डायरेक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एंड डीन्स ऑफ द फैकल्टीज है, चीफ प्रॉक्टर में पूरा लंबा चौड़ा प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, डीन ऑफ स्टूडेंट में हॉस्टल वार्डन है, स्टूडेंट एमिनिटीज है, और डायरेक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एंड डीन्स ऑफ द फैकल्टीज के बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद फैकल्टी है, फैकल्टी के बाद स्टूडेंट है। तो आप समझ रहे हैं कितना ये कॉम्प्लेक्स है। तो ऑर्गेनाइजेशन चूंकि इतना कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को प्रॉब्लमेटिक बनाता है, अगर कहीं कोई विवाद है। और आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग सबके आपस में मधुर संबंध है एक दूसरे से, नहीं है, तो उसमें अपना हित साधा जाता है, अपने लक्ष्यों की पूर्ति होती है, तो ये सब चीजें इसको फॉल्टी बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम आपसे पूरी तरह से डेवलप कर दिया, उसका इतिहास, उसकी ऑटोनॉमी, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें एकेडमिक स्टैंडर्ड, जिसमें NAAC की बात हुई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें UGC की बात हुई। अब फिर समस्याएं एडमिशन से संबंधित, समस्याएं इनडिसिप्लिन से संबंधित, समस्याएं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, और समस्याएं आपका करिकुलम जो कि आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, यूनिफॉर्म है, सबको एक ही पढ़ा रहे, बच्चे अलग अलग पढ़ा एक चीज रहे, तो कहां से उसका प्रतिफल मिलेगा? जब बच्चे अलग अलग हैं, विविध हैं, तो विविधता उनको देनी चाहिए ना। So in this way I have completed this very topic too, and I have completed all topics of your BA part 1 at least this time. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from myself.